इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल देखिए हमारे पास एक डाइपोल होगा भाई, उसकी वजह से निकालना आपको कि कितना फील्ड होगा किसी एक पॉइंट के ऊपर आके। डाइपोल पता है क्या होता है? इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस भी, यस और नो? एक को प्लस क्यू लिया था, एक को क्या लिया था? माइनस क्यू। ये डाइपोल ए भी मान लेते हैं। एक्सियल लाइन क्या होती है? टू पॉइंटों से जो लाइन पास करती है, इट इज एक्सियल लाइन। और लाइन के इन्हीं पॉइंटों पे एक और पॉइंट हो गई आगे, इस लाइन में है सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट कहाँ पे है? इसके एक्सियल लाइन पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन तीनों एक सीध में है, ये किस में है? एक्सियल लाइन में। एक होता है इक्विटोरियल लाइन में, इस लाइन के मिड पॉइंट पे ड्रा करते हैं एक परपेंडिकुलर, वो क्या होगी? इक्विटोरियल लाइन में। क्या बोलते हैं उसको? इक्विटोरियल लाइन। पूरा डाइपोल का लेंथ कितना होता है? 2a लिया था हम लोग लास्ट टाइम, ये उस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x या r ले लेते हैं। कर लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो c पॉइंट है ये, इसके एक्सियल लाइन पे है अभी ab के। तो आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e एट पॉइंट c ड्यू टू दिस डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पे निकालनी है इस डाइपोल की वजह से भी। लिख लीजिए, वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग डाइपोल मोमेंट पी, पी क्या होती है? डाइपोल मोमेंट। हैविंग डाइपोल मोमेंट ए पी, आगे लिखिए सी इज द पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, वेयर वी वांट टू फाइंड आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी वो पॉइंट है जहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भाई, इसकी वजह से, पूरे डाइपोल की वजह से निकालना है। कर लोगे? समझ में आ रहा है? तो हम पहले किसकी वजह से निकालते हैं? देखो यहाँ पे तरीका क्या निकालने का, इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या है? जहाँ पे भी आपको इंटेंसिटी निकाल ली हो वहाँ पे क्या रख देते हैं? कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। तो इसी पे क्या रख देंगे हम लोग? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और चेक करेंगे इस पर कितना फोर्स लग रहा है, यस और नो? अब मेरे पास कितने चार्ज हो गए इकट्ठे? तीन चार्ज हो गए भाई। हमारे जो आंसर होते हैं दो के लिए होते हैं, तो तीन के लिए कैसे करेंगे? इंडिविजुअल निकालेंगे और जोड़ देंगे बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स पे, यस और नो? तो पहले निकालते हैं सी पॉइंट पे इसकी वजह से, फिर निकालते हैं सी पॉइंट पे इसकी वजह से, और नेट को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, हो जाएगा। तो कैसे करोगे? लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पहले निकालते हैं प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे भी। तो प्लस क्यू की वजह से कितना आंसर होगा अभी? ई मान लें इसको, वैल्यू क्या होती है ए की भी? यस भी, वैल्यू क्या होती है ए की? फार्मूला क्या बनता है? 1/4 πε0 q/, कितना डिस्टेंस है? आर स्क्वेयर, कौन सा आर? इनके बीच का डिस्टेंस भी। तो क्या लिखोगे? बी सी स्क्वेयर, यस और नो? कहाँ से कहाँ तक हो रहा है अभी? डायरेक्शन क्या लिखोगे? इनके बीच में किस तरह के फोर्सेस होंगे अभी? रिपल्सिव। तो इस पर निकालना है कौन किसको धक्का मार रहा होगा, इसको कौन धक्का मार रहा होगा, कैसे मारेगा? ऐसे, फ्रॉम बी टू सी,
फ्रॉम बी टू सी, सही है। उसी तरीके से अगर आप बी सी की वैल्यू निकाल लो, बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, बी सी कैसे निकालोगे अभी इस पूरे में से ये माइनस कर दो तो कैसे लिखोगे, ओ सी माइनस ओ बी, क्या मैंने सही लिखा है, ये निकालना है बी सी आपको इस पूरे में से, ओ सी में से ये माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ सी भी, ओ सी क्या है आर, ओ सी क्या है आर, और ओ बी क्या है ए, डाइपोल का हाफ किया गया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी आर माइनस ए, तो ई वन का वैल्यू कितना हुआ 1/4πε0 क्यू, बी सी कितना है आर माइनस ए का स्क्वेयर, भी सही लिखा मैंने। डायरेक्शन कैसे लिखोगे, फ्रॉम बी टू सी, ई वन हो गया भाई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एनी प्रॉब्लम भाई निकाल पाओगे, सेकंड निकालते हैं, यहाँ तक हो गया सभी का, क्यू चार्ज प्लस क्यू निकाल लिया था, अब किसकी वजह से निकालना है, माइनस क्यू की वजह से निकालना है, तो E2 का वैल्यू कितना होगा, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, C और माइनस क्यू का ए सी, कैसे लिखोगे ए सी स्क्वेयर फ्रॉम, डायरेक्शन क्या लिखोगे भी? इस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अट्रैक्शन होगी, कौन किसको खींचेगा, दोनों ही खींच रहे होंगे इक्वल फोर्स से, किस पे निकालना है, इस पे, इसको ऐसे खींच रहा होगा ये, यस आर नो, फ्रॉम सी टू ए, फ्रॉम सी टू ए, समझ में आया। तो ए सी का वैल्यू कितना है भाई, ए सी इज इक्वल टू, ए सी को क्या ले सकता हूँ मैं, ओ सी प्लस ओ ए, चेक करो ए सी पूरा है, क्या ले सकते हैं, ओ सी प्लस ए ओ या ओ ए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ सी आर और ए, आर प्लस ए, सही लिखा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई टू, 1/4πε0 क्यू ए सी स्क्वेयर आर प्लस ए का स्क्वेयर फ्रॉम सी टू ए, सही है कि नहीं है। अब दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, क्या क्या बोलता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल्स, इट इज़ द सम ऑफ द इंडिविजुअल्स, हर एक को निकालो और जोड़ दो, यस और नो, इन दोनों को जोड़ें तो क्या आंसर आएगा अभी। अब प्रॉब्लम क्या, दोनों को जोड़ने की डायरेक्शन में उल्टी हैं, तो नो, ई वन क्या है ऐसे और ई टू क्या है ऐसे, तो एक को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यस और नो, तो क्या कर लेते हैं, अच्छा अच्छा है कि बड़े में से छोटा माइनस कर लेते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर लेते हैं, बड़ा कौन इनमें से, ई वन है कि ई टू है, ई वन बड़ा है, क्यों, आर माइनस ए नीचे माइनस किया गया है, यहाँ पे प्लस किया गया है, नीचे वाली फैक्टर कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा, तो ई वन बड़ा है भाई किसके कंपैरिजन में, ई टू के, किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डायरेक्शन किसकी यूज़ करते हैं हम लोग, हमेशा जो बड़ा हो उसकी यूज़ करते हैं, तो डायरेक्शन किसकी आएगी, बड़े वाले की, एक वैक्टर ये है ए वैक्टर, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, डायरेक्शन किसकी आएगी, ए की आएगी आफ्टर सबट्रैक्शंस में, कर लोगे तो करो भाई, रब कर दें इसको भी, नेट ई निकालना मेरे को भी, तो कितना होगा बताओ, बड़ा कौन है, ई वन में से ई टू माइनस कर देते हैं, ई वन माइनस से ई टू, सही लिखा है, ई वन कितना अभी 1/4πε0 क्यू आर माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1/4πε0 क्यू आर प्लस ए स्क्वेयर, सही लिखा है। अभी सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ, डायरेक्शन किसकी बाद में देंगे, कर लोगे अभी, क्या कॉमन आ रहा दोनों में, क्यों कॉमन है, 4πε0 कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे, 1/r-a का स्क्वेयर माइनस 1/r+a का स्क्वेयर, सही है कि नहीं है, e इज इक्वल टू q/4πε0
एलसीएम लेना आता है? कैसे लेंगे? आर माइनस ए स्क्वेयर इंटू आर प्लस ए स्क्वेयर, सी लिखा है यहाँ पे, क्या लिखूँ भाई? आर प्लस ए का स्क्वेयर माइनस आर माइनस ए का स्क्वेयर, सी लिखा है मैंने। यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? ये किसका फार्मूला बन रहा है अभी? अपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सॉरी ए ये वाला, और ए माइनस बी का स्क्वेयर। में क्या फार्मूला होता अभी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर में, क्या ये होता है? पता है कि नहीं पता? याद करो, गुणा करके देख लो, ये आंसर आएगा अभी। ठीक है अभी, तो कितना आएगा यहाँ पे? ए इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। क्या सही लिखा है? ऊपर ही इसका स्क्वेयर ओपन करें भी, स्क्वेयर ओपन करके देखो कितना आएगा, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू आर ए माइनस। तो भाई इसका आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू आर ए, बार माइनस भी है, अंदर ले जाऊं तो क्या बनने वाला है? आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस टू आर ए, चेक करो क्या ये बनेगा। कुछ कट रहा है? काट दीजिए। इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा भाई? आर एस आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर टू आर ए फोर आर ए, ये बचा ना बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सही लिखा है? यस आर नो? हाँ सॉरी, होल स्क्वेयर भी आएगा अभी। कर पाओगे अभी? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ देखिए, इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख दिया मैंने टू ए इंटू टू आर, क्या मैंने सही लिखा? आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, क्या सही लिखा मैंने अभी? ये फोर आ रही है, देख लो आपने पढ़ा होगा क्यू इंटू टू ए, ये डाइपोल मोमेंट होता है अभी, क्यू इंटू टू ए इज अ डाइपोल मोमेंट। कैसे दिखाते हैं इसको? पी से दिखाते हैं हम लोग भी, लिखे हैं इसको पी, क्या रब कर दें ऊपर वाला, ए इज इक्वल टू कितना आएगा? क्यू इंटू टू ए, ये पी हो गया अभी, इंटू टू आर डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यहाँ पे लिख दूँ पी क्या होता है? क्यू इंटू टू ए, सही लिखा मैंने? अगर डायरेक्शन में जानी हो तो क्या लिखूँ? फ्रॉम किसकी यूज करें डायरेक्शन भाई? ई वन वाली बड़ा है, बड़े वाले की कैसे लिखोगे? फ्रॉम बी टू सी, चेक करो एक बार, क्या यही थी इसका? हाँ होल स्क्वेयर फ्रॉम बी टू सी, सही लिखा है? जो बड़ा हुआ डायरेक्शन उसी की यूज़ करनी है आपको भी, कर लोगे? यहाँ पे टॉपिक पूरा हो जाता है अभी आपका। इसमें केस करते हैं छोटा सा, लिख लीजिए, जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं सारे केसेस से आते हैं। केस केस क्या लिखें? मान लेते हैं कि डाइपोल छोटा हो भी, तो क्या होगा भी? लिख लीजिए व्हेन डाइपोल इज स्मॉल, व्हेन डाइपोल इज स्मॉल, डाइपोल अगर छोटा हो तो उसका टू ए भी छोटा होगा और हाफ तो भी छोटा होगा, यस सर ना? मिल सकता हूँ डाइपोल जब छोटा होगा तो एक्स बड़ा होगा ए से, एक्स तक क्या आर था, आर आर बड़ा होगा ए से, यस सर ना? देख लो, अगर आर बड़ा होगा तो स्क्वेयर ही बड़ा होगा उसका भी, और तो और भी ज़्यादा बड़ा होगा ए स्क्वेयर से, सही है कि नहीं है? मैं बोल सकता हूँ कि तीन और पंद्रह में बड़ा कौन है? पंद्रह बड़ा है तीन से, और स्क्वेयर बहुत बड़ा है भाई, यस सर ना? तो हम क्या कर सकते हैं उसके कंपैरिजन में, इसको छोड़ सकता हूँ, कर लोगे? देख लीजिए नेगलेट ए, नेगलेट ए, इस फार्मूले से ए को काट दो भाई, क्या फार्मूला बनने वाला है देखिए, इज इक्वल टू
पी बाई टू आर फोर पाई एप्साइलन नॉट, यहाँ से ए को काट दो भाई, ए गया आर स्क्वेयर का पावर स्क्वेयर है बार, तो आर की पावर फोर हो गया अभी, सही लिखा मैंने, एक आर से एक आर काट दूँ तो ए का वैल्यू कितना आया, टू पी बाई फोर पाई एप्साइलन नॉट आर थ्री फ्रॉम, डायरेक्शन क्या लिखूँ, बी टू सी, डायरेक्शन तो वही रहेगी, सही है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज होता है अभी, कर लोगे अभी, टू पी बाई फोर पाई एप्साइलन नॉट बाई आर थ्री फ्रॉम बी टू सी, यस वी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। देखिए इसमें डायग्राम दोबारा देखते हैं एक बार, आपके पास रजिस्टर है पुराना, हमारे पास से एक डाइपोल, अभी डाइपोल ए बी, यहाँ पे चार्ज था प्लस क्यू, यहाँ पे क्या रखा मैंने माइनस क्यू, सेंटर पॉइंट क्या था इसका ओ, लेंथ कितना था पूरा 2a, ये डाइपोल था अभी, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइंस क्या होती है, डाइपोल के सेंटर पे एक लाइन ड्रा किया परपेंडिकुलर में, इसको नाम दिया था इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पॉइंट सी मान लेते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे एक प्लस वन कॉलम चार्ज रख देते हैं, तरीका यही है निकालने का। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, यस और नो, तो कुछ ना कुछ तो फील्ड इंटेंसिटी लगेगी भी, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली इट इज ए E1, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है अभी, तो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, ये अपनी तरफ खींचेगा विद सम फोर्स, यस और नो, ये इंटेंसिटी कितनी थी E2, ये पॉइंट को मैं R मान लेता हूँ, R था कि X था, R मान लेते, कर लोगे, तो आपको यहाँ पे निकालना है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। अब सी पे दो फील्ड आ रहे हैं, एक E1 है एक E2 है, उनको जोड़ने के लिए या तो आप क्या यूज़ कर लो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस यूज़ कर लो, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर डिस्टेंस यूज़ कर लो, उसके लिए क्या करोगे, पैरेललोग्राम पूरा कर लो, और ये क्या देगा इसका रिजल्टेंट देगा, वही आंसर आएगा सेम भी, कर लोगे। एक तरीका ये रहेगा उसमें कि एंगल जो हैं ये सारे सेम होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रही हैं अभी, ये डिस्टेंसेस से भी के लिए सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, दो साइड सेम है, तो थर्ड अपने आप सेम हो जाती है, कर लोगे। अगर ये थीटा एंगल है, यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ पैरेलल टू ए बी इसके, तो ये एंगल भी होना चाहिए थीटा भी, समझ में आई बात, ये लाइन है या कंप्लीट, ये ऐसे लाइन ड्रा किया गया है, इस पर दो पैरेलल लाइंस को काट रही है, एक ये वाली एक ये वाली, तो ये एंगल भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, अगर ये थीटा तो ये भी क्या होना चाहिए थीटा। अगर आप E1 को रिजोल्व करते हो कंपोनेंट की टर्म में, इस तरफ कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा E1 cos थीटा, और इस तरफ कौन सा आएगा E2 sin थीटा, E1 sin थीटा, कर लोगे। उसी तरीके से अगर आप E2 को रिजोल्व करते हो कंपोनेंट में, जहाँ पे एंगल बना हुआ है E2 cos थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में, यहाँ पे आएगा E2 sin थीटा, समझ में आया, यस और नो। तो ये था भी आपका डायग्राम, कर लोगे, डायग्राम ही मैंने इसमें एक्चुअल में हो जाएगा भी। अब आपको आपके पास देखिए क्या चीज़ें है, एक डाइपोल है जिसका लेंथ कितना है 2a, सिंपल कह सकते हो वी हैव डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p एंड c इज द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। c पॉइंट कहाँ पे है, इक्वेटोरियल लाइंस पे, अभी कर पाओगे, तो आपको सी पे निकालना है अभी, किसकी वजह से निकालना, पहले ये चार्ज है फिर ये चार्ज है, इंडिविजुअल करते हैं, तो आपको निकालना है फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से निकालना है अभी। सिंपल सा फार्मूला बनता हमारा, E1 इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर भी BC स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या रही है, बी से सी की तरफ जा रहा है, रिपल्सेंस हो रहा है यहाँ पे फ्रॉम बी टू सी। अगर आपको बी से निकालना हो तो कौन सी ट्रायंगल्स यूज करें, भी
इन द ट्रायंगल्स बी सी ओ, सही है बी सी ओ। इस ट्रायंगल से यूज करो पाइथागोरस थ्योरम भी, तो बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके आएगा अभी, ओ ओ सी स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर। ओ सी स्क्वेयर क्या है, आर है, और ओ बी क्या है, हाफ डाइपोल का, तो क्या लिख सकते हैं इसको, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो पुटिंग द वैल्यूज ई वन इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r² + a² फ्रॉम बी टू सी। ये वैल्यू आ गई भी ई वन का, कर पाओगे? तो यहाँ पे डायरेक्शन के साथ दिया गया है फ्रॉम बी टू सी। अगर आप ई टू निकालना चाहते हो, किसकी वजह से निकलेगा ई टू, डी टू नेगेटिव चार्ज क्यों, तो इसके लिए कैसे करोगे देखिए, हो गया सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस है एक प्लस है तो अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे प्लस है यूज किया हम लोगों ने, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो क्या होगी अट्रैक्शन। ई टू का वैल्यू कितना होगा, ई टू इज इक्वल टू 1/4πε0Q/, कितना डिस्टेंस है भाई, ए सी, ए सी स्क्वेयर कर दो, डायरेक्शन क्या रखोगे सी टू ए, यस आर नो। आप ए सी का वैल्यू निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से भी, कौन सी ट्रायंगल यूज करूँ, इन द ट्रायंगल ए ओ सी, सही है yes, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर ओ ए स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और ए सी लिखना हो तो अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। एनी प्रॉब्लम भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी दोनों वैल्यूज आ गई आपकी भी, इसको एक बार पुट कर दो वैल्यू को, व्हाट इज द ई टू का वैल्यू होगा 1/4πε0Q/ आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर फ्रॉम सी टू ए, सही है, हो जाएगा भाई। अब दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं ई वन और ई टू, जोड़ रहा है दोनों को, तरीके आपको बोला था मैंने, एक तरीका वेक्टर फॉर्म से जोड़िएगा, अगला भी वेक्टर फॉर्म ही, एक्चुअल में दोनों ही वेक्टर फॉर्म है, रिजोल्व करना ही वेक्टर फॉर्म है, यस और नो, और बाय यूजिंग ट्रायंगल ला और पैरेललोग्राम ला, वो भी क्या है वेक्टर फॉर्म, आपका चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसको पैरेललोग्राम से करना तो कैसे सॉल्व करोगे, आपको उसके लिए एंगल चाहिए होगा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल लिखा होता ना, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस थीटा, पैरेललोग्राम में ट्रायंगल्स ला के अंदर रिजल्टेंट की वैल्यू आती है अभी, यस सर ना, तो उसके लिए एंगल चाहिए, क्या ये एंगल निकाल सकते हो, कौन सा एंगल वाला, ये वाला, अभी ये एक्चुअल में आउटर एंगल है, आउटर एंगल क्या होता है, सम ऑफ द इनर एंगल्स होता है, 60 + 60 कितना आएगा 120 आएगा, कर लोगे ये एंगल कितना होगा 120, तो कॉस 120 आएगा, सेम आंसर आएगा वहाँ से, आप निकालना चाहते तो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा टॉपिक को, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एंगल वगैरह निकालने में दिक्कत होती है बच्चों को भी, ठीक है, इसलिए हम सिंपल टॉपिक करेंगे इसको। आगे लिखिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, रिजोल्व कर लेते हैं, रिजोल्विंग ई वन एंड ई टू इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एज सियोजियन डायग्राम भी, जरूरत नहीं बताने की कैसे होगा, कर पाओगे? तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर देखो ढंग से, E1 और E2 की मैग्नीट्यूड बराबर है, E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो E1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, E2 के मैग्नीट्यूड के, यस और नो, डायरेक्शन अलग है, कर पाओगे? अगर आप E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए भी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में है, सेम पॉइंट पर लेकर रही हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ई वन साइन थीटा कैंसिल टू ई टू साइन थीटा, ये तो क्या ई वन ई टू तो साइन थीटा की फॉर्म में, बच गया कौन, ई वन कोस थीटा और ई टू कोस थीटा सेम डायरेक्शन में है, नाम दे लेते हैं, कुछ नाम दे सकते हैं इसको डी, ठीक है, कहाँ से जा रहे हैं, सी से डी की तरफ जा रहा है सारा अरेंजमेंट्स भी, अगर देखो ढंग से तो नेट ई कितना होगा, नेट ई ई वन कोस थीटा प्लस ई टू कोस थीटा, सही है,
क्योंकि ई वन ई टू बराबर है तो इसको ले सकता हूँ ई इज इक्वल टू टू ई वन कोस थीटा, या सर ना ई टू इक्वल टू ई वन कर दूँ या ई टू इक्वल टू ई वन कर दो, चॉइस आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें प्रॉब्लम किसका है, हमारे पास एंगल की वैल्यू नहीं है अभी, इसके लिए ट्रायंगल्स यूज कर लेते हैं। इन द ट्रायंगल्स ए और सी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, दो में एंगल है अभी, कर लोगे। इन द ट्रायंगल ए ओ सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, अभी कॉस क्या होता है, अभी बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है ए ओ और ये कितना है ए सी, ए सी वैल्यू निकाल चुके हम लोग शायद, तो क्या होगा ए बाई अंडर द रूट एक्स आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, बुक में आर से नोटेशन किया गया, तुम बार भी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे भी हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यूज, ई का वैल्यू कितना होगा, नेट ई इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई वन, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, यहाँ पे कितना था आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू कोस थीटा ए अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, सही है। ये देखिए q इंटू टू ए पी बन गया डाइपोल मोमेंट, तो ई वन ई वन है क्या, ई है, ई है अभी, तो क्या हो गया ऊपर तो p हो गया, अभी नीचे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वन पावर है, ये हाफ पावर है अभी, तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का पावर थ्री बाई टू, सही है, ये आंसर था। अभी डायरेक्शन क्या लिखोगे, लिख दो फ्रॉम सी टू डी, फ्रॉम सी टू डी, एनी प्रॉब्लम भाई। इसके लिए हमने केस किया था, याद हो तो आपको, हमने केस में ये बोला था कि अगर डाइपोल छोटा हो तो क्या होगा भाई, अगर डाइपोल आपका क्या हो छोटा हो स्मॉल साइज का हो तो क्या होगा, उसका ए का वैल्यू कम होगा भाई, किसके कंपैरिजन में आर के, तो स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा आर का, ये सर ना, तो आर के कंपैरिजन में ए को क्या कर सकते हैं हम लोग, नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट हमेशा प्लस और माइनस में होता है भाई, क्लास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कभी नेगलेक्ट नहीं होती वैल्यूज भी। अगर आपने एक लाख में दो रुपये जोड़ते हो तो वो नेगलिजिबल है अभी, लेकिन एक लाख को दो सौ गुणा करते तो वो नेगलिजिबल नहीं है अभी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही क्या करते हैं हम, चीज़ों को नेगलेक्ट कर सकते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर पाएंगे अभी, कर पाओगे अभी। तो इसमें आर को क्या कर दो, नेगलेक्ट, तो सॉरी ए को भी, कितना आएगा आंसर, पी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर थ्री हो गया, सही है, फ्रॉम सी टू डी, यहाँ तक कल टॉपिक हुआ था अभी, एनी प्रॉब्लम बी क्लास।